झोपी मधुन उठ ले थे पूरा हे बाबा दोन भी धुत ले नहीं ये देखो ये लड़की ने मुंह नहीं धोया देखो 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 ये लड़की अभी तक सो रहा है पुरान रात्रि परेशान के लिए झुप दिल ये चाय टाका है चांग और पांग करूं ठीक करूं काय देना तो तावे लोग मोड़ा है बाबा मजा हाथ ने सांड ली तो सांग जी नहीं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई व्लॉग वीडियो में। और आज हम फिर से गांव में हैं और मैं चाय वाय पी रहा हूं सुबह की। कौन धुत लगा है कौन धुत लाना है काय नहीं चाय पी आई ली क्या बात है सर क्या बात है सर बढ़िया चाय बढ़िया है लुंगी वाला आज सर का असाइनमेंट बाकी है ये चिल्ला के हालू किस का है 8 वाला 8 असाइनमेंट अपना रे बंदा आ गया कौन सा बंदा आ गया गंदा कर दिया क्या बोला तूने बोले 60 की सालिंग है सर हां मैं वेलो ने भाऊ की वजह से ये देखो ये लोग यहाँ पे झूला खेल रहे हैं खेत में झूला मजा आ रहा कि नहीं तेरे को अरे बहुत बढ़िया झूला ये तो यो अब क्या मजा आया आपको वहाँ हमारे भैया वहाँ काम कर रहे हैं सुबह से काम पे लगे हुए खेती कर रहे थे इधर आ दिखाऊं मैं तेरे को नहीं गिर जाएगी नहीं गिर जाएगी धीरे धीरे पकड़ के रखो आप टाइट ए फोटोग्राफी आओ यार जम से जा रहा झूला आपको यार ट्रेनिंग हो गई पूरी फिर ट्रेनिंग चाहिए मैं अंग्रेज हूँ बाहर से आया हूँ मैं वीडियो निकाल रहा हूँ व्हाट इज दिस वेरी नाइस झूला वाओ ब्यूटीफुल अरे कहना क्या चाहते हो दमाने 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 आता दमाने दमाने झाला ना रे घाबराला हाँ पे हो टाइट पकड़ के रखना उतने दूर से यहाँ आवाज आई पॉसिबल गुरुद्वारा भी इतना लंबा है यार फिर भी आवाज अच्छी पड़ी आ रही फिर इधर और इधर भी है ये आवाज इधर से आ रही है देख के पकड़ना उसका तो वजन भी कुछ भी नहीं है पेहू का यूं जाता झूला ऊपर हवे के अंदर A few moments later. तो अब हम लोग ऑटो पे बैठ के जा रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब के घर पे जहाँ हम मिलेंगे हमारे भाई से और हमारी भाभी जी से। और यह है गंगा खेड़ का पूरा व्यू और हम ब्रिज के ऊपर से निकल रहे हैं अब आगे की तरफ। हम सब पहुँच चुके हैं हमारे बड़े भाई साहब के घर और यह है हमारी बड़ी भाभी जी। अभी हम कुछ ही देर में यहाँ से गोदावरी नदी जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे मंदिर है और बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक। A few moments later. तो अब हम आ चुके हैं गोदावरी नदी के तरफ और ये है संत जनाबाई जी का मंदिर। संत जनाबाई भक्ति काव्य धारा की एक कावित्री थी और यह मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है और संत जनाबाई जी का इतिहास इस गंगाखेड़ गांव से जुड़ा हुआ है। संत जनाबाई भगवान विट्ठल जी की बहुत बड़ी भक्त थी। कहा जाता है कि संत जनाबाई घर का काम करते हुए भजन गाया करती थी, तब स्वयं भगवान बुढ़िया का रूप या स्त्री रूप लेकर भजन सुनने के बहाने ने उनके पास आया करते थे। घर के कामों में भी हाथ बटाया करते थे। इतनी प्रभावशाली भक्ति और इतनी मधुर आवाज थी संत जनाबाई जी की। और यह भी कहा जाता है कि संत जनाबाई जी गोबर से जो उपलियां बनाती थी उन उपलियों में से विठल विठल जी की आवाज आती थी और यह आवाज स्वयं कबीर जी ने खुद सुनी है। तो इतनी महान भक्त है विठल जी की। अब हम निकल पड़े हैं गोदावरी नदी के तरफ जहाँ पे एक बालाजी का मंदिर भी है और दशहरे के टाइम पे उस मंदिर से रथ यात्रा निकलती है पूरे गांव में। ये इलाका भगवान का इलाका। ये देखो मामा मामा मेरा नाम है। आज सरनेम क्या है तुम्हारा? सरनेम क्या है? उदावन। हाँ उदावन। वो देखो उदावन। अरे वाह क्या बढ़िया नाम। आज ही मैं इधर फेमस होने वाला हूँ। ये इलाका कहाँ फेमस हुआ? अर्जुन मामा अभी हम रुके हैं हमारे इस गांव के ऐतिहासिक मंदिर में। यहां से दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। क्या कर रही है? क्यों बोल रही? अरे कहना क्या चाहते हो? कहाँ भाग रहे हो? भगे हो? ये देखिए आगे। पियू पकड़ो पकड़ो पकड़ लो उसको।
ओहे पहलवान अरे छोटा भी आ गया लो तो फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे गांव के बालाजी मंदिर में और ये है यहां का बालाजी मंदिर जो कि बिल्कुल गोदावरी नदी के पास में है और यहीं से दशहरे के दिन ये रथ निकलता है। देखिए यहां पे ये रथ है इसके अंदर अभी बंद पड़ा हुआ है ये और यहां से बड़ा के बड़ा रथ निकलता है पूरे गाँव में घुमाया जाता है रथ को। तो अभी हम बालाजी मंदिर के अंदर रेनोवेशन का काम चालू है तो ये देखिए ये रेनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पे पेंट वेंट का काम चल रहा है तो मंदिर जो है पूरा बंद है तो हम लोग ऐसे ही बाहर से अभी दर्शन करके आगे चले जाएंगे गोदावरी नदी के पास में और यहाँ पे बालाजी की विश्राम करती हुई मूर्ति है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोदावरी नदी और ये पूरा गोदावरी नदी का व्यू है और यहाँ पे पानी नहीं है क्योंकि आगे ये ब्रिज का काम चल रहा है और पानी को आगे डैम से रोका गया है तो पानी को यहाँ पे डैम से रोक देते हैं ताकि पीछे पानी स्टोर रहे और यही गोदावरी नदी का पानी पूरे गाँव में डैम के जरिए सप्लाई होता है और ये गोदावरी नदी काफी किलोमीटर तक महाराष्ट्र में फैली हुई है। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और यहाँ के हवा का आनंद लेंगे और उसके बाद हम वापिस हमारे छोटे भैया के घर पे खेत में रवाना हो जाएंगे। तो यहीं पे एंड होगा हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग वीडियो। जय हिंद।